हेलो दोस्तों, नमस्ते। बहुत दिनों बाद व्लॉग्स में हम वापस आ रहे हैं। बहुत दिन मतलब तकरीबन 3-4 दिन का टाइम हो गया है। अब ये 3-4 दिन क्यों लगे हैं, इसके पीछे का रीज़न है हमारे घर का नया मेंबर। बहुत ही जल्द हमारे बीच में घुल मिल गई है। 3 दिन का टाइम इसीलिए लगा दोस्तों, ताकि हम और वो दोनों भी सेट हो जाए एक दूसरे के साथ। अभी जाकर वो थोड़ी सेट हो गई और हमको थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिला है। हाय दोस्तों। हाय मैडम, सोई है उधर, ये इसका वन ऑफ द फेवरेट पोजीशन है सोने का। आसन कौन सा आसन है? जिम्मी आसन। अभी मैडम का खाना हो चुका है, हमारा भी लंच हो गया है और उसका भी लंच हो गया है। मैडम सोने के मूड में है। अभी उसका सोने का टाइम है, तकरीबन एक घंटा तो सो ही लेगी और फिर हो जाएगा उसकी मस्ती शुरू। ये है उसके कुछ खिलौने, ये बोन है, आर्टिफिशियल बोन। ये दोनों पग और जिराफ उस हमारे जिम्मी के दोस्त है। अभी सुबह होते के साथ वो उनको ढूंढती रहती है पहले, और उसके बाद उसका होता है खेलना शुरू। जिमी सुस्ती आ रही है, सुस्ती। अभी पेट में खाना गया है इसलिए थोड़ा आराम करेगी मैडम, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगी उसकी मस्ती। हेलो बोलो, हाय बोलो सबको, हाय। अच्छा पूछते कैसा है, कैसा लगा जिमी को देख कर घर में? खुश हुई मैं। पहले दिन तो कृषा सोफे के ऊपर चढ़ के बैठ गई थी। हाँ, पहले दिन तो उसको एक्चुअली वो खेलने को देख रही थी, लेकिन उसको कृषा का थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। दोनों का पहला दिन होने के कारण थोड़ा एडजस्ट होने को टाइम लग रहा था। कृषा भी थोड़ी डर रही थी, सोफे से नीचे नहीं उतरती थी। अभी ऐसा नहीं है, कृषा और चिन्नू के पास तो बड़े अच्छे से जाके लाड़ में बैठी रहती और अजय को काटती रहती है मेरे साथ। लेकिन अभी तक वैसा नहीं है, मेरे को तो काटने को ही देखती है। काटना भी एक तरह का उसका प्यार ही है, लेकिन भारी पड़ रहा है मुझ पर। आइए एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, जब भी ये मैंने ऐसे YouTube वीडियो देखा था, उसके अंदर वो बता रहे थे कि उनको स्ट्रिक्टली नो बोलेगा, उसे स्ट्रिक्टली नो बोलेगा और उसे दूर कर देने का खुद से, और वो अच्छे से प्यार से आपके पास आ रही है तो आने देने का, और अगर वो काटना स्टार्ट किए तो स्ट्रिक्टली नो करने का। तो मैं वही फॉलो कर रही थी और कृषा को भी मैंने वही कहा था कि जब वो प्यार से खेल रही है तेरे साथ तो उससे अच्छे से खेलने दे, अगर वो तुझे इरिटेट कर रही है, तुझे काटने की कोशिश कर रही है तो उसे स्ट्रिक्टली नो कर। अजय वैसा नहीं है, अजय नो नो बोलता है और नो ना बच्चा जिम्मू ऐसा बोलता है। तो उसको क्या लगता है अजय उसके साथ खेल रहा है, लाड़ में आ जाती फिर मेरे पास। अजय की तो बैंड बजा के रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हालत करती है अजय की। जैसे ही अजय आता है उसे काटना शुरू कर देती है, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। आपको दिख रहा है निशान, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये देखो कितना बुरा काटा है, 6, 7, 8, ये देखो 9। ये 2 दिन में कारनामे किए, ये 2 दिन के कारनामे दोस्तों, सिर्फ 2 दिन के। ये देखो पैर पे देखा, और कृषा को भी काटा है। कृषा मैडम बताइए किधर काटा है, ये देखो या। ये देखो कृषा, ये देखो 2, ये नाखून लगे। एक्चुअली ये काटा हुआ नहीं है, उसने नाखून मारे थे मस्ती में। दोस्तों मुझे तो उसने इतना एक ही बार काटा था और उसका निशान भी नहीं है। मैडम को 2 बार काटा है और सबसे ज़्यादा तो आपने देख लिया अजय महाराज को सबसे ज़्यादा काटा है। हम दोनों ज़्यादा स्ट्रिक्ट है पापा से, हम दोनों ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो हमारे सामने नाटक नहीं करती है। पूरा दिन कुछ ना कुछ बहाने करके सोते रहेंगी और रात के 1 बजे जब अजय आता है 12:30-1 बजे तब मैडम उठ जाती है। जैसे दरवाज़ा खुलता है मैडम उठ जाती है, और जैसे ही उठती है
वैसे जो मस्ती शुरू होती है रात के 3 बजे तक मैडम मस्ती करती रहती है। उसको अजय के साथ काटम काटी खेलना बहुत पसंद है। जिम आने के बाद से घर में एक अलग तरह की खुशी आ गई है, जैसे एक जैसे कि एक भाई या बहन आ जाती है घर में छोटी, बस उसी तरह का फीलिंग है। मेरे को तो पूरा वैसा ही फील आ रहा है। इसको तो माँ बनने का फीलिंग आ गया है। एक छोटे छोटे बच्चे को संभालना है, उसको पॉटी करना। मेरी मम्मी को माँ का फीलिंग आ रहा है, मेरे पापा को पापा का फीलिंग आ रहा है, और मुझे बहन का फीलिंग आ रहा है। जी हाँ, पूरी तरह से एक फैमिली मेंबर ही आ गई है हमारे घर में। थोड़ा सेट होने को टाइम लग रहा है यार, और एक हफ्ता भर लगेगा पूरी तरह से सेट होने के लिए, क्योंकि उसका पहले का माहौल जो है उसको छोड़ना, दिमाग में से निकलना थोड़ा टाइम लगता है। हमको भी उसको एडजस्ट करना, समझ में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद से रेगुलर व्लॉग्स हमारे चालू हो जाएंगे, और चारों भी फैमिली मेम्बर्स आपको व्लॉग में दिखते रहेंगे। आगे हमारे व्लॉग्स में जिम्मी का धमाल देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।